वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। छोटा सा तबका मुल्क के वसाइल पर कब्जा करके बैठा है। हमारे हुक्मरानों ने लंदन में वहां जायदादें ली जहां उनके वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं ले सकते। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के, उनको ये कहा जाता है कि फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। और अरब मुल्क के सरबराहों के आप वो दे रहे हैं कि उधर तो वो इस तरह डाल दिया, अंदर तुम भी करो, तुम्हें क्या सोचने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस्तेमाल करके घिनौनी साजिशें हो रही हैं। मरियम नवाज का बड़ा इल्ज़ाम, कहा कि दफातर में बुलाकर कहा जाता है फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ। अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मामले को खुद देखें। बशीर मेमन के इंकशाफात आज सामने आए हैं, आगे और भी गवाहियाँ आएंगी। आज हम दुश्मन के साथ लड़ने की पोजिशन में नहीं रहे, आज हम रास्ते ढूंढ रहे हैं। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती से मुतालिक बड़ा बयान, कहा कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है। रमजान के बाद पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में होंगे, अगर कोई इक्का दुक्का इधर उधर हो जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए। हल्का एन ए 249 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का हल्के में सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा, कहा पीपल्स पार्टी का एक ट्रक हर जमात के जलसे में जाकर इश्तियाल फैला रहा था, वोटिंग को रोकने के लिए फायरिंग कराई जा सकती है।